ऊपर काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मोजज़ा हुआ? प्यारे दोस्तों, फारुखाबाद में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजज़ा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो गए और अल्लाह अकबर की नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, फारुखाबाद में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रूनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है और बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान उसका क्या मुजजा पेश आया कि लोग हैरान और परेशान हो गए, ये जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए रोज कोई ना कोई हज और उमरे की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है क्योंकि ये वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है क्योंकि हर इंसान भी मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता और कोई भी चाहता है कि वो जन्नत जैसा मकाम हासिल कर पाए। लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं और बेहयाई की तरफ राग़िब हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है जिसमें वो उनको बिना रहम के डाल देगा और वो लोग का कयामत ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह है कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और वो लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को ये फैज अता किया कि वो उसके घर की सफाई और सुथराई करें और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास करती होती है। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में ये नौकरी आती है और जिन लोगों के नसीब में ये नौकरी आती है ना, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं। जब लोग हज और उमरे के लिए से खाना काबा जाते हैं, बहुत दिनों से ये बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहाँ मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से ये अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही ये फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी और फौरन सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से है इंसानों के लिए, ये एक तोहफा है और ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर इसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया वो सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे और वहाँ की पुलिस भी खड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग जो वहाँ के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे वो सब के सब वहाँ मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से ये बात साफ थी कि वो इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुश नसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे उसे साफ करने के लिए दूसरे पानी का इस्तेमाल इसने करना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। सब काम हैरान करने वाला था कि ये क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बड़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई, उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए वो। लेकिन वो बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम ढाल बन गया था। वो बार बार सर नामे हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वो बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी ये हालत हो गई।
पूरा भी एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वो ऊपर की तरफ उठ गया और इतने जोर से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि पहले दोस्तों सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफाफ बनाया भी है और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो उन लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश न की और अपने अपने घरों को लूट गए। प्यारे दोस्तों, से मुसलमान ही जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं दे सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हाजरा रजी अल्लाह को ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे। उनके शोहर ने कोई जवाब न दिया और वो वहां से जाने लगे, लेकिन उनके दो दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब न दिया तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और जैसे उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया तो उन्होंने अपने हाथों से उनका दामन उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में है, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था ना खाने के लिए खुराक। वो तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीनों का ही था वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको माँ के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उसका दूध टूट चुका था, लेकिन वहां पानी मौजूद नहीं था। जब एक माँ ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा तो वो जंगल में इधर उधर भागने लगी। वो कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि उनके बच्चे के लिए वो पानी कहीं से फूट पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वो कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़िया रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़िया रगड़ी तो एक तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक माँ को इतना विरक्त हुए अपने बच्चे के लिए देखा तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में भागी थी, अल्लाह ताला ने एक माँ की तरफ को देखते हुए इसे हज का एक रुकन बना दिया। और जो शख्स सात दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अभी जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है, इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है। इसका पानी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाद अहादीस में ये बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वो जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिससे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझा दी। इस वजह से ये पानी आम पानियों की नस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कार आमद होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए ये कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वो लोग पानी हासिल किया करते। इस कुएं ने 5,000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद न किया। अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामला में दखल अंदाजे करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजे करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर देता है। आबी जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा।
इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया, उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा, तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा कि वो जगह से दूर जा गया। तो ये मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही थी, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग